तो आगे चलते हैं आईसीसी के इंडियन मैथ प्रश्नावली 5.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है कि x के पावर साइन x प्लस साइन x के पावर कॉस x, इसको समीकरण अपना से मान लेंगे और ये दो भागों में हल करेंगे। एक भाग ये u बराबर मान लेते हैं इतना और v बराबर इसको मान लेंगे। पहले u को हल करेंगे, u बराबर x के पावर साइन x प्लस, दोनों तरफ लॉग लेंगे, इधर भी लॉग लेंगे तो लॉग u, इधर भी लॉग लेंगे तो लॉग x के पावर साइन x। अब क्या करेंगे, लॉग u बराबर लॉग n के पावर n का फॉर्मूला पावर पहले होता है और लॉग x बाद में हो जाएगा गुणा के रूप में। दोनों तरफ अवकलन करने पर डी लॉग u बटा में डी यू गुणे डी यू बटा में डी एक्स बराबर, एक बार इसका गुणा हो जाएगा और साइन x का डिफ्रेंसिएशन, प्लस एक बार साइन x का गुणा हो जाएगा और लॉग x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। अब लॉग u का हो जाएगा एक बटा में u गुणे डी यू बटा में डी एक्स बराबर, लॉग एक्स जो कहते हैं साइन का अवकलन कॉस एक्स होता है, प्लस साइन एक्स जो कहते हैं लॉग एक्स का होता है एक बटा में एक्स, ये भागा में है इधर जाएगा गुणा में जाएगा डी यू बटा में डी एक्स, इसमें गुणा करेंगे इतना जाएगा प्लस साइन एक्स में वन से गुणा साइन एक्स बटा में कॉस एक्स, और u का जो वैल्यू है लिख सकते हैं एक्स के पावर साइन एक्स और इतना वाला जो कहते हैं उतार दिया। इसके बाद पुनः v बराबर हम करेंगे v बराबर साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग लेंगे तो लॉग भी बराबर लॉग साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, लॉग भी बराबर लॉग एम के पावर एम फॉर्मूला होता है पावर पहुंच है, इसके बाद लॉग इनटू साइन एक्स लिखेंगे, दोनों तरफ अवकलन करने पर तो लॉग भी बटा में डी भी हो जाएगा गुणे डी भी बटा में डी एक्स, एक बार लॉग इनटू साइन एक्स का गुणा हो जाएगा कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, प्लस एक बार कॉस एक्स का गुणा हो जाएगा लॉग इनटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो डी लॉग साइन एक्स बटा में ये लॉग का ये एक्स है तो बटा में डी एक्स होता है यानी कि साइन एक्स, एक बार साइन का हो जाएगा डी साइन एक्स बटा में डी एक्स, अब लॉग भी का हो जाएगा बटा में भी गुणे डी भी बटा में डी एक्स बराबर इतना जो करते हूँ कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स जो करते हूँ लॉग एक्स का होता है एक बटा में एक्स, तो एक्स के रूप में साइन एक्स है तो साइन एक्स हो जाएगा गुणे साइन का होता है कॉस एक्स, ये भागा में है इधर जाएगा गुणा में, माइनस में इसमें गुणा करें तो माइनस लॉग इनटू साइन एक्स गुणे साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स जब कहते हैं वन पे कॉस में गुणा करें कॉस एक्स बटा में साइन एक्स, डी वी बटा में डी एक्स बराबर वी का मतलब रख देंगे साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, माइनस लॉग इनटू साइन एक्स गुणे साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स जब कहते हैं और साइन में कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स। अब क्या करेंगे समीकरण वन से, तो समीकरण वन इतना है तो इसका मान जो है आया है इतना तो हम लिख देंगे इतना, अब प्लस इसका मान आया है अभी जो पूरा इतना है तो इसको हम डाल देंगे, बस इतना ही आप लोग को सजा कर लिख देंगे आंसर हो जाएगा, बाकी कल आप लोग चलेगा। ओके बेस्ट ऑफ लक।